चेक करिए वॉइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वॉइस चेक करिए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था? सबसे पहले देख लिया था मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, किसका आ गया ये भाई डाउट सबसे लास्ट में। आप चैट में डाल दीजिए जो भी डाउट है आपका। तो क्या पढ़ना था, नहीं पढ़ना था, ये देख लिया हमने। इसके बाद हमारा था एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा, क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के बाद हमने सीखा था कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिए थे। कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है, वो देख लिया था। फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए, और फिर हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेटेड से कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आज हमारा एजेंडा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, और इसी पे सारी के सारी क्लासेस चलने वाली है आज। आज हम सीखेंगे सर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। मैं इसे समझाने से पहले कुछ मैं दिखा दूं, विजुलाइज करके एक एग्जांपल लेके दिखा दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे मैं समझाता रहता हूं और बच्चों को समझ में आता नहीं जल्दी से वो पॉइंट। तो ब्रेक इवन सर प्लीज फॉर्मूला चार्ट पीडीएफ में, ठीक है ये मैं भेज दूंगा। देखिए दो एग्जाम्पल है, इवन तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, हमारा सेल्स है, सेल्स है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 8,000, फिक्स कॉस्ट है 3,000। तो सर यहां पे प्रॉफिट निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता? बड़ी सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो निकाला जा सकता है। तो अगर मैं यहां आपसे प्रॉफिट पूछूं तो क्या आएगा प्रॉफिट? तो यहां प्रॉफिट नहीं आएगा, क्या आएगा? लॉस। लॉस कितने का आ गया? 1,000। एक तो आपके सामने ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेल्स है दैट इज 10,000, वीसी है 8,000, अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 2,000 है। तो अब आपका प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट क्या आएगा या लॉस क्या आएगा? जीरो। अगले पॉइंट पे देखते हैं, आपका सेल्स है 10,000, वीसी है आपका 8,000, और एफसी है आपका 1,000। कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज हो रहा है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, यहां पे प्रॉफिट आएगा 1,000। तो मुझे आप बताइए, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल। आप एक बिजनेसमैन हो, आप ना एक बिजनेसमैन हो और आप बिजनेस करने जा रहे हो। मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आपको एग्जाम्पल वन में रखा जाए, और एग्जाम्पल वन में अगर आपको रखा जाए, आपका बिजनेस का सिचुएशन एग्जाम्पल वन के जैसा है, क्या आप बिजनेस कंटिन्यू कितने टाइम तक करोगे, लंबे समय तक क्या बिजनेस कर पाओगे आप? तो बड़ी सीधी सी बात है सर, अगर ऐसा एग्जाम्पल हुआ तो लंबे समय तक तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन अगर आपको इस एग्जाम्पल में रखा जाए, क्या आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाओगे? डेफिनेटली यहां पे आप देखोगे कि क्या पता हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए, लॉस तो नहीं हो रहा ना, घर से तो नहीं जा रहा ना कुछ भी, एटलीस्ट सब कुछ तो हम रिकवर कर रहे हैं ना। तो देखोगे, ये उम्मीद रहेगी कि कल हमें प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा मार्जिन होगा, तो यहां पे आप सस्टेनेबल कर सकते हो। और यहां पे कभी भी आप बिजनेस को बंद करना पसंद ही नहीं करोगे, क्योंकि चल रहा है। तो ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा,
लेकिन आप अपने बिजनेस को बंद नहीं करते, तो इसको कॉल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस हो। और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे टीसी इज इक्वल टू सेल्स होता है। जहां पे क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? तो मैं अगर एक फॉर्मूला लिखूं, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टीसी, टीसी इज इक्वल टू सेल्स, टीसी इज इक्वल टू सेल्स को मैं क्या बोल सकता हूं? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रहे हो बात को? क्योंकि टोटल कॉस्ट कितना है यहां पे? टोटल कॉस्ट कितना है? 10। और सेल्स भी कितना है? 10। तो जहां पे टोटल कॉस्ट और सेल्स इक्वल हो जाते हैं उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर मैं चार्ट के फॉर्मेट में, अभी चार्ट भी है इसमें आगे चल के, लेकिन मैं फिर थोड़ा सा आइडिया दूं, अगर मैं इसको चार्ट में प्लॉट करूं, ग्राफ आएगा आपके एग्जाम में इसमें, तो अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो सिंपल सी बात है, आपका मान लेते हैं सेल्स, सेल्स की लाइन ये जा रही है, ठीक है, सेल्स की लाइन ये जा रही है, इसके बाद टोटल कॉस्ट की लाइन ये जा रही है, तो जिस लेवल पे ये दोनों बराबर हो गए, क्या सेल्स और टीसी जिस लेवल पे, उसे कॉल करेंगे क्या सर? ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम चार्ट वाले, जब चार्ट वाले क्वेश्चन आएगा ब्रेक इवन चार्ट बनाने को, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो सर यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे 1,000 रुपये आपने क्या करा? एक्स्ट्रा कमा लिया। तो इस प्रॉफिट को जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है, इसको हम बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं, डिजायर प्रॉफिट बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे। तो यानी ब्रेक इवन से ऊपर जितना आप कमाना चाहते हो उसको क्या बोलेंगे? डिजायर प्रॉफिट बोल देंगे। अब देख लो एक, चलिए एक एग्जाम्पल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का था, हम उसको अलग से लेंगे। चलिए, यानी सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो सर बेसिकली फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, पीवीआर इंटू में 100, ये वो लेवल आएगा। यानी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आने वाला है। जब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ना, इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और इसको मैं दूसरे शब्द में बोल सकता हूं, ये ब्रेक इवन सेल्स है, ये ब्रेक इवन सेल्स है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकल है पूरा, यानी आसान है, लेकिन अगर आपने सोचा ना कि रट्टा मार के कर लेंगे तो नहीं, एक सवाल में कई फॉर्मूले लग जाएंगे। दूसरा, अगर हमें ये किस में आया हमारा? इन टर्म्स ऑफ सेल्स यानी रुपीस में। अगर मुझे निकालना हो यूनिट में, ब्रेक इवन पॉइंट किस में निकालना है? यूनिट में। तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है सर, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू लिख रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100 नहीं होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सर सीपीयू कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। ये किस में आएगा सर आंसर? ये आंसर हमेशा आएगा यूनिट में आएगा, ठीक है ना, ये आंसर यूनिट में आएगा। अब ये आंसर किस में आएगा? रुपीस में। तो कई बार ना ब्रेक इवन पॉइंट को सवाल में बोल देते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स निकालिए। तो ब्रेक इवन सेल्स होता क्या है सर? बेसिकली ब्रेक इवन सेल्स होता है हमारा, जो हमने ये फॉर्मूला लगाया जब रुपीस में नंबर निकल के आए। कई बार कुछ नहीं बोलता तो आप रुपीज में निकालिए चाहे यूनिट में निकालिए, फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार बोल देगा ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट में बताइए, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन सर क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मैं सवाल जो भी करूंगा ना, उसको मैं पॉइंट में और यूनिट में दोनों निकाल के बताऊंगा। अगला आता है सर, आप ब्रेक इवन पॉइंट तो कमा रहे हैं, आप ब्रेक इवन पॉइंट बताइए या फिर डिजायर सेल बताइए। डिजायर सेल्स सर, डिजायर सेल्स का मतलब क्या है? जहां पे आप कुछ प्रॉफिट कमाओगे, तो फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय अगर पीवीआर कर दूं तो यहां पे कुछ प्रॉफिट होगा क्या? इसका मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो ऐड कर दो, ऐड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट। तो ये हो गया डिजायर, कितना सेल्स करो के इतना प्रॉफिट कमा लो, कितना सेल्स करो के इतने प्रॉफिट कमा लो, तो ये डिजायर हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट आता है हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हालांकि इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, सवाल के साथ साथ करेंगे,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स, यानी ब्रेक इवन वाला सेल्स। तो इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, के हम इतने सेफ जोन में हैं, अगर इससे नीचे सेल्स गया ना तो हम लॉस में पहुंच जाएंगे, तो उसे बोलेंगे हमारा ब्रेक इवन, और सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MOS। सर ये रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, ये किस में निकल रहा है? रुपीज में। कई बार ना ये नंबर में भी निकल सकता है, पर सॉरी परसेंटेज में। तो परसेंटेज वाले का अलग फॉर्मूला है, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं करता जाऊंगा। तो आज का जो एजेंडा है ना कि हम ब्रेक इवन पॉइंट के सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं एक सवाल ब्रेक इवन पॉइंट पे। पहले आपसे पूछ लिया जाए, किसी का कोई डाउट है तो ठीक, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है अभी एक एक करके। पहले तो आप ये देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? किसी को डाउट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? किसी को डाउट है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो। चलिए क्या इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है? चलिए फॉर्मूला तो अभी अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट ध्यान से करेंगे हम। पॉइंट नंबर वन कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, कुछ जानकारी गिवन है। सेल्स दे रखा है आपको 2 लाख रुपए। सेल्स क्या दे रखा है? 2 लाख रुपए। चलिए मैं यहां लिख भी लेता हूं, सेल्स 2 लाख रुपए। एंड वेरिएबल आपको कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लो VC, VC दे रखा है 1 लाख। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देना तो हमें एक रिजल्ट निकलता है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे? 80,000 रुपए। कहता है फिक्स कॉस्ट हमारा 30 है, तो अगर मैं यहां से, वैसे जरूरत नहीं अभी माइनस करने का, देखते हैं सवाल पूछता क्या है। फिक्स कॉस्ट कितना है? सवाल में दे रखा है फिक्स कॉस्ट 30,000। 30,000। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। सिंपल बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR इंटू में 100। चलिए सर फिक्स कॉस्ट तो पता है हमें कितने का है, 30,000 डिवाइडेड बाय PVR। PVR क्या होगा? PVR होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू में 100। तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, निकाल लिया हमने 80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 2 लाख इंटू में 100। तो क्या आया ये देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100, 40%। 40% आया, इसका मतलब सर 0.4, और इंटू में, अब 40% अगर आप 0.4 करोगे ना तो परसेंट नहीं इंटू 100 नहीं लगाना। अगर आप नीचे क्या लिख रहे हो, नीचे अगर पूरा 40 लिखते हो ना तो 100 लगाना, इस बात का ध्यान रखना। 40 लिखा तो अब हम लगाएंगे इंटू में 100, ठीक है? तो 30,000 डिवाइड 40 इंटू में 100, तो सर 75,000। तो जवाब है कि सर 75,000 रुपये की, अगर हम 75,000 कम तो नहीं निकाला हमने, नहीं, अगर हम 75,000 रुपीज का सेल करते हैं तो हमें ना तो प्रॉफिट होने वाला है ना ही नुकसान होने वाला है। एक बार चलो इस बात को प्रूफ भी कर लें, ठीक है ना? एक बार हम इस बात को प्रूफ कर लेते हैं। मैं धीरे धीरे सवाल कराऊंगा और सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा, सारी बातों को प्रूफ कर लूंगा। 2 मिनट हो गया, ठीक है? एक बार इस बात को प्रूफ भी कर लिया जाए। सर चलिए प्रूफ करते हैं। जैसे यहां पे मेरा सेल्स क्या है, बोला सवाल में कि सेल्स आपका 75,000 होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? अगर आपका 40% PVR है
तो 60% वेरिएबल होगा। कहाँ लिखा है ये बातें? मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि आपका वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज क्या होता है, ये दोनों मिला के होता है। तो इसके हिसाब से हमारा यहाँ पे निकल सकता है वेरिएबल कॉस्ट, बड़ी सीधी सी बात है। तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कितने परसेंट? वेरिएबल कॉस्ट होगा 60%, तो 75,000 का 60% दैट इज 45,000। 45,000 माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो कितने आए? 30,000। अब क्या माइनस कर दें हम? फिक्स कॉस्ट। ये ना वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, करना नहीं है आपको एग्जाम में। तो 30,000 का फिक्स कॉस्ट है, तो देखिए प्रॉफिट क्या आया? जीरो। यानी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही बातों को बताता है। यही चीजें तो हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। किसी को यहां तक दिक्कत है तो बताएं, फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं अगले पॉइंट पे। को क्लियर है सर? 75,000 का 60% क्या बताया हिना ने? समझ नहीं आया मुझे। सेल्स का 60, अच्छा इन्होंने बता दिया, ठीक है। चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो अगर मैं देखो फिर से अगेन मैं कहूंगा, कुछ बच्चों को देखो डिटेल में मैं बताने लग जाता हूं ना कोई चीज, तो वो कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एग्जाम में नहीं करना। अगर ये सवाल आता है तो एग्जाम में यहीं पे आंसर खत्म हो गया, इसके आगे नहीं करना। ये सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कराया गया है कि इस तरीके से होता है। सवाल नंबर टू, टू कहता है हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस, और हमारा क्या कहता है यहां पे? सेलिंग प्राइस रिड्यूस। चलिए चलिए पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा। दोनों में फर्क होता है, एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस और एक होता है हमारा सेल्स। यहां पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस को मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूं, यहां सेलिंग प्राइस को रिड्यूस, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करने का मतलब है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप समझिएगा, देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला सेल्स है मेरा, सेल्स है मेरा यूनिट के टर्म में 2,000, ठीक है। तो यहां भी सर मैं मान लेता हूं सेल्स यूनिट के टर्म्स में 2,000। मैं दोनों जगह एक ही एग्जांपल को करूंगा। सेलिंग प्राइस है यहां पे,
सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 7 रुपये, फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपये। तो सर सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी है 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे भी है 7 रुपये, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी है 1000। दोनों सवाल मैंने सेम रखा है, दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है। पहले आप यहां ध्यान दीजिए, दोनों सवाल मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है। अब इसमें डिफरेंस देखना, मैंने इस सवाल में कहा, इस सवाल में क्या कहा, मैंने इस सवाल में कहा है, बाकी बच्चे जो बैठे हैं एक बार मैंने रिवाइज करने का टाइम दिया, फटाफट से क्विकली रिवाइज करें, चलो अंदर चलो, आप यहां बैठो आगे, मैं बैठा हुआ ठीक से। हाँ बस 2 मिनट दीजिए आप। मैंने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ 10% से, और यहां बोला मैंने सेल्स रिड्यूस हुआ 10% से। अब दोनों देखने में और समझने में एक जैसा ही लग रहा है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हुआ 10% से और यहां पे सेल्स रिड्यूस हुआ 10% से, लेकिन दोनों के आंसर में देखना कितना फर्क आ जाएगा। सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने का मतलब सर, अब मैं यहां पे प्रॉफिट चार्ट बना रहा हूं, तो सर प्रॉफिट चार्ट बनाने का मतलब किस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट चार्ट में सेल्स होगा सर, सेल्स होगा हमारा, सेलिंग प्राइस रिड्यूस 10% से हो गया, मीन्स अब ये रहने वाला है हमारा 9 रुपये, अब ये रहने वाला है 9, तो यहां पे आएगा 18000, 18000। वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपये और 2000 के हिसाब से 14000। यहां आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 4000, माइनस करेंगे हम एफसी फिक्स कॉस्ट 1000, प्रॉफिट कितना आया 3000। अब दूसरी साइड में देखिए, यहाँ पे सेल्स क्या होगा सर, कहता है सेल्स को ही रिड्यूस करो, यानी सर हमारा जो सेल्स है उसको रिड्यूस करना है, यानी यूनिट जो हमारे 2000 बिक रहे थे अब 2000 यूनिट नहीं बिक पाएंगे सर, ये 10% से कम बिकेंगे, दैट इज 1800 यूनिट बेच पाऊंगा मैं। सेल्स रिड्यूस करने का मतलब, पहले मैं 10 यूनिट बेच रहा था, अब मैं कम बेच पाऊंगा, तो अब सेल्स जो आएगा वो क्या आएगा सर, 1800 × 10, यानी सर 18000। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर, वो भी 1800 × 7 हो जाएगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 1800, 1800 × 7 12600, और कंट्रीब्यूशन सर, कंट्रीब्यूशन 5400। माइनस क्या करोगे सर, एफसी, एफसी कितना माइनस करें 1000, तो जवाब देखिए यहां पे क्या आ गया 44। तो अब आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने में और सेल्स के रिड्यूस में। सेल्स रिड्यूस होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने पे वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे सेल्स को कहूं, सेलिंग प्राइस को मैं कहूं 20% रिड्यूस हो गया, चलो मैं यहां करके दिखा रहा हूं। चलिए एक एग्जांपल और, एक एग्जाम्पल और, सेलिंग प्राइस और डाउन कर रहा हूं मैं किससे, 20% से, तो सर अब हमारा सेल्स पता है कितना होगा, ये हो जाएगा 8, यानी 16000, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा सर, वो रहेगा हमारा कितना 14000। तो देखिए इस वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट सेम है, यहां पे भी सेम है, लेकिन यहां वाले सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, बदल गया। तो ये बातें आपको समझना है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन 2000, प्रॉफिट माइनस करके कुछ अलग पॉइंट आ जाएगा। पहले तो आप सिंपल सी बात करिए कि सेलिंग प्राइस का रिड्यूस होना और सेल्स का रिड्यूस होना दोनों बातें अलग है, बच्चे समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन में। देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया बाय 10%, तो बच्चे क्या करते हैं कई बार सेल्स को रिड्यूस कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है वहां पे। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन और भी आगे आएगा, पहले यहां तक बताइए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट है?